राखी सावंत के सिर से अभिनव शुक्ला और रुवीना दिलाय का हाथ हटते ही वो शो से गायब होती जा रही है। राखी ने अभिनव और रुवीना से लड़ाई करके अपना ही नुकसान करा लिया। जिस राखी को लोग एंटरटेनिंग समझ रहे थे वो अब बोरिंग होती जा रही है, और अब तो राखी ऐसी हरकतें कर रही हैं जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, एंटरटेन के लिए राखी इस हद तक पहुंच जाएंगी किसी को यकीन नहीं हो रहा। शायद राखी को नहीं पता कि वो अभिनव रुवीना को खुश करने के बजाय उन्हें नाराज कर रही हैं, उन्हें उल्टा सीधा कहने पर मजबूर कर रही हैं, उन्हें अपने से दूर करती जा रही हैं। जी हाँ, राखी जो हरकतें कर रही हैं उनसे अभिनव और रुवीना का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और वो राखी से दूर होते जा रहे हैं। यही सब राखी को नुकसान हो रहा है। इससे पहले राखी ने अभिनव को खुश करने के लिए उनका नाम अपनी पूरी बॉडी पर लिख लिया था। पूरे दिन वो अभिनव के नाम का टैटू पहनकर घूमती रही। राखी को लगा शायद इन हरकतों से रुवीना अभिनव इम्प्रेस हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। रुवीना ने राखी को चीप औरत तक बता दिया। जब यहाँ राखी की दाल नहीं गली तो उन्होंने अभिनव के अंडरवियर के साथ गंदी हरकत कर डाली। जी हाँ, राखी अभिनव के अंडरवियर तक पहुंच गई और उन पर कैंची चला डाली। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं कि उन्होंने ये बहुत ही घटिया हरकत की। वो अभिनव से दूर होते ही और पागलों वाली हरकतें कर रही हैं। अभिनव की फोटो पर रेड कलर किया। उसके बाद जब गार्डन एरिया में रुवीना अभिनव सो रहे थे तभी राखी से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो लगेज रूम में जाकर अभिनव का अंडरवियर ढूंढती है और उसे कैंची से काट देती है। यकीन मानिए, ये हरकत देखने के बाद रुवीना अब राखी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। वो राखी पर हमला जरूर करेगी और रुवीना का गुस्सा राखी ने और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि राखी ने अब बदतमीजी की लिमिट क्रॉस कर दी है। और फिर रुवीना की जगह कोई और भी पत्नी हो वो भी ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। अब तक रुवीना राखी की बचकानी हरकतों पर हंस रही थी, उनका सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जब से रुवीना को पता चला कि राखी भी उन्हें और उनके पति को पीठ पीछे गाली देती है, तब से रुवीना ने राखी से पल्ला झाड़ लिया। तो अब राखी बुरी तरह रोने के लिए तैयार हो जाएं। अब तक आपने देखा राखी सावंत अभिनव की आड़ में रुवीना की चमचागिरी कर रही थी, लेकिन जब से रुवीना को पता चला कि राखी उनके पति को गाली देती है, तब से रुवीना को राखी से नफरत हो गई। वो बार बार राखी को उनकी नजरों में गिरा रही हैं, उनसे लड़ रही हैं। तो वहीं राखी का गेम भी कमजोर पड़ गया है, क्योंकि उनके पास एकमात्र एंटरटेन करने के लिए अभिनव शुक्ला ही थे और अब रुवीना और अभिनव दोनों ने राखी से किनारा कर लिया है। ऐसे में राखी अकेली हो गई है और उनके पास एंटरटेन के लिए कुछ बचा भी नहीं है। इस एंटरटेन को बरकरार रखने के लिए राखी ने नया ड्रामा किया। राखी ने अभिनव का नाम अपनी पूरी बॉडी पर लिख लिया, तो वही उनके पीछे पीछे घूम रही है, पागलपन वाली हरकतें कर रही है। लेकिन अब सबको राखी की सच्चाई पता चल गई है और इसी वजह से रुवीना और राखी में भयंकर वाली लड़ाई हो जाती है। खाना बनाने के लिए भी राखी से लड़ जाती है रुवीना। रुवीना से लड़ाई करने में राखी ने हदें ही पार कर दी। वो फिर से गंदी भाषा का इस्तेमाल करने लगती है। इतना ही नहीं, राखी रुवीना को थप्पड़ भी दिखाती है। राखी के नजरिया बता रहा है कि रुवीना ने राखी का एंटरटेन छीन लिया, जिससे वो जल्दी आउट हो जाएंगी। और अगर राखी रुवीना की वजह से आउट हुई तो यकीन मानिए, राखी रुवीना को न केवल सुना कर जाएंगी बल्कि उन्हें थप्पड़ लगा कर भी जाएंगी। रुवीना ने ये तक कह दिया कि आपके लिए मेरे दिल में जो इज्जत थी, प्यार था, सम्मान था, वो आज आपने सब खत्म कर दिया। अब मैं आपको इन सब के लायक नहीं समझती हूँ। आप मेरे लिए अब वही इंसान हो जो और लोग हैं। राखी ने भी कहा, मुझे तेरी इज्जत सम्मान की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत लोग प्यार करने के लिए। भाई, एक एपिसोड में राखी और रुवीना की गंदी वाली लड़ाई हो जाती है, जब राखी किचन में लंच बना रही होती है कि तभी रुवीना वहां आती हैं और कहती हैं कि लंच बनाने की ड्यूटी मेरी है, उन्होंने पहले ही कहा था कि लंच वो बनाएंगी। इस पर राखी जवाब देती है कि सबको भूख लग रही थी इसलिए मैं खाना बनाने आ गई। ये सुनकर रुवीना भड़क जाती है और राखी से कहती है, आप ये बता रही हैं कि रुवीना अपना काम नहीं करती है। ये सुनकर राखी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि झगड़ा करने का बहाना मेरे साथ मत ढूंढो। राखी की इस बदतमीजी से रुवीना बुरी तरह भड़क जाती है और कहती है कि मेरी ड्यूटी ना ले, दूसरों के काम करके अपनी अच्छाइयां मत दिखाओ। राखी राखी भी कहां चुप बैठने वाली, उन्होंने ये जवाब देकर रुवीना का मुंह बंद कर दिया और कहा कि उनकी छोटी सोच है, जब वो बोलती है तो दूसरों को बोलने का मौका नहीं देती है। मेगस ने इन आने वाले एपिसोड में प्रोमो को रिलीज किया है।
तो अब लड़ाई राखी और रुवीना के बीच बढ़ती ही जा रही है। वैसे आपको दोनों में कौन सी कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट करके जरूर बताएं। रुवीना के दिल में राखी के लिए जो जगह सिर पर थी वो अब पैरों के नीचे आ गई है। सही भी है, जब किसी पत्नी के सामने उसके पति को गाली दी जाएगी, उसके पति को गंदे शब्द बोले जाएंगे, तो बोलना तो छोड़ो, वो पत्नी शायद उस शख्स का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करेगी, एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ऐसा ही कुछ इस वक्त बिग बॉस के घर में रुवीना और राखी के बीच देखने को मिला। आपने भी देखा, राखी अभिनव को खूब फ्लर्ट करती हैं, उनके पीछे पागल बनी हुई है, लेकिन रुवीना अभिनव दोनों राखी को सीरियस नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि राखी ऐसे ही एंटरटेन करती हैं और वो दिल की बहुत साफ है। लेकिन रुवीना ने यहीं पर बड़ी गलती कर दी कि वो राखी को समझ नहीं पाई। जी हाँ, जो रुवीना राखी को सीधा समझती थी, वही राखी उनके पति को नल्ला बोलती है। ऐसा खुद एक यूजर ने जनता के सवाल में राखी से पूछा, तो रुवीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो राखी से इतना नाराज हुई कि उनसे बात करना भी ठीक नहीं समझ रही थी। इतना ही नहीं, रुवीना ने उसी दौरान राखी से कह दिया कि अब तुम्हारा हमारा कोई मतलब नहीं, तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है और मेरे पति से दूर रहो। ये सब अभिनव देख रहे थे। बावजूद अभिनव राखी को समझाने जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम उसे एंटरटेन करती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नल्ला जैसा शब्द तुम मेरे लिए इस्तेमाल करो। राखी और अभिनव को एक साथ बात करते रुवीना भी परेशान हो जाती है। वो इतना इरिटेट हो जाती है कि आउट होने की बात कहने लगती है। इतना ही नहीं, राखी ने विकास गुप्ता से भी रिश्ते खराब कर लिए। विकास गुप्ता जो राखी के भाई माने जा रहे थे, अभिनव के चक्कर में उन्होंने विकास गुप्ता से भी लड़ाई कर ली। हालांकि बाद में राखी विकास एक दूसरे को माफी देते नजर आए। राखी को विकास से लड़ाई करके बाद में पछतावा हुआ, तो वो रात के अंधेरे में ही विकास के पास जाती हैं और उन्हें किस करती हैं, उनसे माफी मांगती हैं। तब विकास उन्हें समझाते हैं कि अभिनव तुम्हारे लिए अलग है और मैं तुम्हारे लिए अलग हूँ, मैं भाई हूँ। राखी भी कहती है कि शायद बिग बॉस के गेट के बाहर मेरा और अभिनव का कोई रिश्ता ना हो, लेकिन तुम मेरे भाई हमेशा रहोगे। वैसे आपको क्या लगता है, राखी का गेम अब डाउन होता जा रहा है? जो राखी स्टार्टिंग में खूब एंटरटेन कर रही थी, लेकिन रुवीना अभिनव के चक्कर में वो डाउन होती जा रही है। क्या सोनाली फोगाट के बाद अगला नंबर राखी सावंत का ही है? कमेंट करके जरूर बताएं। राखी अभिनव के लिए पागल होती जा रही है। उन्होंने अभिनव को इस तरह से पकड़ा हुआ है जैसे गुड़ में चींटी चिपकती है। लाइमलाइट के लिए राखी के पास अभिनव को रिझाने का सबसे बढ़िया मुद्दा मिल गया है, लेकिन कहीं ये मजाक सच ना हो जाए, उसके लिए रुवीना को डर सताने लगा है। वो भी अब राखी से चिढ़ने लगी है। पिछले टास्क में आपने देखा होगा जिसमें राखी और अर्श की दो टीमें होती हैं, लेकिन राखी अभिनव के लिए टीम तक बदल देती हैं और वो अभिनव की टीम में आ जाती हैं। ये सच में राखी नाटक कर रही हैं या फिर वो सच में अभिनव को पसंद करने लगी हैं, वो तो वही जाने, लेकिन कहीं ना कहीं रुवीना को अब डर सताने लगा है।